नमस्कार दोस्तों, आज तारीख है 19 अगस्त 2022 और आज का दिन है शुक्रवार। और आज हम सबको पता है कि आज जन्माष्टमी, तो आप सभी को जन्माष्टमी की शुभकामनाएं। तो हम शुरुआत करते हैं हमारी पहली खबर से। मुंबई के पास लावारिस नाउस में 3 AK-47 राइफल मिलने से हड़कंप। तो ये एक मिलने से हड़कंप क्यों मची, तो हमें इसके लिए कहीं ना कहीं थोड़ा सा इतिहास में जाना पड़ेगा। इतिहास में कहाँ हम चलते हैं, 26 नवंबर 2008। 26 नवंबर 2008 को क्या हुआ था, कुछ जो मुंबई ताज हमला हम जानते हैं, उसमें क्या हुआ था कि जो लश्कर है तैयबा की प्रशिक्षित और भारी हथियारों से लैस 10 चरमपंथियों ने मुंबई की जगहों और प्रतिष्ठित इमारतों पर हमला कर दिया था, जो 4 दिनों तक चला था। और मुंबई हमले में 160 से अधिक लोग मारे गए थे। तो इसलिए हम 26 नवंबर यानी 26/11 का उसे हमला याद करते। तो कहीं ना कहीं उसी को देखते हुए अब जैसे मुंबई यानी जो बिल्कुल अरब सागर के पास आ गया, तो कहीं ना कहीं यहाँ से जैसे हमें पता है कि जो मुंबई हमला जो 26/11 हुआ था, तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान समर्पित आतंकियों ने किया था। तो कहीं ना कहीं अभी जैसे हमें पता है कि जो जन्माष्टमी का उत्सव चल रहा, तो इसमें कहीं लोग इकट्ठे होते, सब साथ मिलकर त्योहार मनाते हैं। तो कहीं ना कहीं इसी को देखते हुए जो मुंबई के पास एक लावारिस नाव मिलने से कहीं ना कहीं हड़कंप मच गई थी। तो मुंबई से 180 किलोमीटर दूर एक बंदरगाह के क्षेत्र में ये नाव मिली थी, जिसमें से कुछ AK-47 राइफल्स और कई जिंदा कारतूस मिले थे। अब सुरक्षा व्यवस्था इतनी कड़ी कर दी गई है और मामले की जांच आतंकवाद निरोधक दस्ते को सौंप दी गई है। और खास बात यह है कि 12 मार्च 1993 को मुंबई में हुए सिलसिलेवार बम धमाकों के लिए विस्फोटक RDX भी इसी बंदरगाह पर उतारा गया था। इसलिए कहीं ना कहीं जैसे हमें पता है कि त्योहार का सीजन थी, तो कहीं ना कहीं इस तरह से एक तरह से सुरक्षा तैनाती कड़ी कर दी गई ताकि ऐसी आतंकवादी गतियों को कोई भी आतंकी अंजाम न दे सके। तब चलते हैं हमारी अगली खबर। देश विरोधी दुष्प्रचार में शामिल 8 YouTube चैनलों पर लगाया गया प्रतिबंध। जैसे कि हमें पता है कि कहीं ना कहीं ये आंतरिक सुरक्षा के लिए एक चुनौती बने हुए हैं। इसी को देखते हुए सरकार ने झूठी, सनसनीखेज और भारत विरोधी खबर प्रसारित करने वाले 8 YouTube चैनलों पर प्रतिबंध लगा दिया है। कहीं ना कहीं ये जो सूचना प्रसारण मंत्रालय ने भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा, विदेश संबंधों और सार्वजनिक व्यवस्था से जुड़े मामलों में दुष्प्रचार फैलाने में शामिल इन चैनलों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। प्रसारित सामग्री का उद्देश्य कहीं ना कहीं भारत में धार्मिक समुदाय के बीच घृणा फैलाना था, और सांप्रदायिकता फैलाने से लेकर आंतरिक सुरक्षा तक से खिलवाड़ कर रहे थे ये YouTube चैनल। तो इसी को देखते हुए कहीं ना कहीं ये सांप्रदायिक विद्वेष, फर्जी समाचार और राष्ट्रीय सुरक्षा और दूसरे देशों के साथ भारत के महत्वपूर्ण संबंधों की दृष्टि से भारत ने इन सूचना मंत्रालय इन पर कार्रवाई करते हुए इन्हें प्रतिबंध कर दिया गया है। अब चलते हैं हमारी अगली खबर। प्रशासक समिति को अभी IOA की कमान नहीं। जैसा कि हमें पता है कि अभी हाल ही कल खबरों में रहा कि फीफा ने जो अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ है उस पर प्रतिबंध लगा दिया है। तो ऐसा क्यों हुआ था, क्योंकि जो भारतीय ओलंपिक संघ का जो प्रभार है वो किसको, प्रशासकों की समिति को सौंपने का जो मामला था उसको देखते हुए कहीं ना कहीं फीफा ने जो अखिल भारतीय फुटबॉल संघ पर प्रतिबंध लगा दिया था। तो अभी सुप्रीम कोर्ट ने जो भारतीय ओलंपिक संघ का जो प्रभार जो COA यानी जो कमेटी ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव को जो कार्यभार सौंपा है उसको जिसकी स्थिति उसको बरकरार रखा है। इससे कहीं ना कहीं जो फीफा की आपत्ति थी कि कहीं ना कहीं इसमें तीसरे पक्ष का हस्तक्षेप हो रहा है। तीसरे पक्ष का मतलब है कि कहीं ना कहीं जो कोर्ट है, कोर्ट के द्वारा नियुक्त किए गए व्यक्ति है। तो इस तरह से फीफा का कहना था कि कहीं ना कहीं हमारे जो संविधान है, मतलब जो उनका संविधान है फीफा का, उसका कहीं ना कहीं उल्लंघन था। आयोग का प्रभार सीओ को सौंपना एक अंतरराष्ट्रीय निकाय द्वारा तीसरे पक्ष का हस्तक्षेप माना जाएगा। तो इसीलिए कहीं ना कहीं फीफा ने भारत के जो फुटबॉल महासंघ है उस पर प्रतिबंध लगाया था। भारत की ओलंपिक आयोजन में निलंबित होने की आशंका हो सकती है, क्योंकि कहीं ना कहीं फीफा का ने ओलंपिक संघ का कहना है कहीं ना कहीं तीसरे पक्ष का एक तरह से हस्तक्षेप है।
जिससे भारत अंतर्राष्ट्रीय खेलों में भाग नहीं ले पाएगा। अब चलते हैं भाई अगली खबर। चंद घंटों में दिए गए 5G स्पेक्ट्रम आवंटन के बदले, जैसा कि हमें पता है कि अभी हाल ही में 5G स्पेक्ट्रम आवंटन का जो नीलामी वो पूरी हो चुकी है, जिसमें एयरटेल, रिलायंस जियो और वोडाफोन और अदानी डाटा नेटवर्क से हिस्सा लिया था। तो कहने के अब उनके जो प्रपत्र उन्हें स्थापित करके प्रपत्र सौंप दिए गए, यानी इन कंपनियों ने कहने के जो दूरसंचार मंत्रालय है उनको ये काम पूरा हो गया। तो कहने की अब जो 5G सेवा है वो कुछ महीनों में अब शुरू कर देगी ये कंपनी। तो इससे क्या होगा, ईज ऑफ डूइंग बढ़ेगा। कहने के जो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी है तो उसमें भी कहीं ना कहीं अपना सपोर्ट करेगी। कहीं ना कहीं क्लाउड कंप्यूटिंग, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिग डेटा एनालिसिस, तो कहीं ना कहीं इन सेवाओं में 4G के मुकाबले तो 5G है वो टेक्नोलॉजी बहुत ही मददगार साबित होगी। इससे कहीं ना कहीं जो सुनील मित्तल जी बोले कि इसे कहते हैं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, बिना दोबारा गए कुछ घंटों में दे दिए गए आवंटन पत्र। तो टेलीकॉम सेक्टर में कई नई नौकरियां पैदा होंगी। तो इससे ये टेक्नोलॉजी हमें देखनी है कि इस हिसाब से हमारे लिए किस तरह से प्रश्न बन सकते हैं। अब चलते हैं हमारी अगली खबर। गोविंदा आयरे सरकारी नौकरी आयरे, महाराष्ट्र सरकार ने दही हांडी को दिया साहसिक खेल का दर्जा, चोट लगने पर मिलेगा मुआवजा। खेल के कोटे के तहत युवा कर सकेंगे महाराष्ट्र में सरकारी नौकरी के लिए आवेदन। जम्मू कश्मीर में मताधिकार पर गरमाए राजनीति, जैसा कि हमें पता है कि जैसे 370 अनुच्छेद समाप्ति के बाद जम्मू कश्मीर में केंद्रीय कानून लागू हो गए, अब जम्मू कश्मीर में भी अन्य राज्यों से आकर बसे नागरिक मतदाता सूची में नाम शामिल करा सकेंगे। इसी को लेकर एक राजनीतिक घमासान छिड़ गया है। अब चलते हैं हमारी RRTS के स्टेशनों के करीब ही बसेंगी कॉलोनियां। तो जंगपुरा, सराय कालेखां और आनंद विहार स्टेशनों के पास TOD के तहत होंगे कार्य। DDSN NCRTC बनाएगी बहुमंजिला ऑफिस, रिहायशी ब्लॉक, स्कूल, अस्पताल व मार्केट। तो जो दिल्ली मेरठ रीजनल रेल ट्रांजिट सिस्टम यानी RRTS कॉरिडोर के ऐसे स्टेशनों के आसपास छोटी कॉलोनियां बसाई जाएंगी जिनके आसपास खाली जगह होंगी। तो जानकारी के मुताबिक ट्रांजिट ओरिएंट डेवलपमेंट के तहत निगम फिलहाल राजधानी के 3 स्टेशन आनंद विहार, सराय कालेखां, जंगपुरा के आसपास कॉलोनियां विकसित करने की दिशा में काम करेंगे। राष्ट्रीय मेट्रो रेल नीति 2017 के तहत TOD के तहत इन 3 स्टेशनों के आसपास खाली जगह को पर्यावरण अनुकूल, अनिवार्य सुविधाओं से युक्त, पैदल यात्रियों के अनुकूल विकसित करने की योजना है। इनके नियमित प्रभाव क्षेत्र योजना बनाई जाएगी। तो हम जान लेते हैं कि जो TOD योजना क्या है, ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट योजना क्या है। तो TOD योजना का उद्देश्य गाड़ियों के कम से कम इस्तेमाल करने के लिए लोगों को बढ़ावा देना है। इसके तहत लोगों को एक ही परिसर में रिहायशी और व्यावसायिक गतिविधि की सुविधा मिलेगी। एक ही परिसर में ऑफिस, घर, पार्क से लेकर ट्रांसपोर्ट तक की सुविधा होगी। तो लोग निजी वाहनों का कम से कम इस्तेमाल करेंगे, साथ ही स्कूल, कॉलेज सहित अन्य सुविधा भी यहाँ मिल सकेंगी। योजना के लिए मेट्रो स्टेशन के 500 से 800 मीटर के पास करीब 1 हेक्टेयर जमीन का होना जरूरी है। इसमें आम लोगों की रिहाइश के लिए 30%, जबकि EWS यानी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन यानी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 15% FAR होना जरूरी है। ऐसे में यहाँ भू उपयोग, ट्रांसपोर्ट,
दोनों को ध्यान में रखकर प्लानिंग की जाएगी। तो ये इस तरह से यहाँ पे दिखा रखा है कि RRTS यानी किस प्रकार इसके आसपास की कॉलोनियां बसाई जा रही है, इसके आसपास ऑफिस है, घर है, पार्क है, स्कूल है, जिससे क्या होगा कि निजी वाहनों का इस्तेमाल कम होगा, जिससे कहीं ना कहीं जब हम पर्यावरण अनुकूल की बात करते हैं, जो जलवायु परिवर्तन से हो रहे प्रभाव को मीट करने की बात करते हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं ये एक सहायक कदम साबित हो सकेगा। हम चलते हैं हमारी अगली खबर पर। सीमावर्ती जनसंख्या की परिवर्तन पर नजर रखेंगे DGP शाह। तो यह जनसंख्या की परिवर्तन और सीमावर्ती, तो हम देख लेते हैं कि जैसे जनसंख्या की परिवर्तन से किस तरह से सीमावर्ती क्षेत्रों में चिंता का विषय। तो जैसे कि हमें पता है कि जैसे सीमावर्ती गांव होते हैं, इलाके होते हैं, तो वहाँ अगर मान लो जनसंख्या परिवर्तन होता है यानी जनसंख्या बढ़ती है घटती, तो हम इससे एक अंदाजा लगा सकते हैं कि ये जो जनसंख्या है ये बढ़ी है, तो ये बढ़ी क्यों, या अगर ये बढ़ी है तो ये आए कहाँ से। तो इनकी जो बायोडाटा है, इनके जो रिकॉर्ड्स हैं पुराने, उन सबको चेक करते हुए हम पता लगा सकते हैं कि ये जो लोग आए हैं इनका उद्देश्य क्या है। इनका भारत की एकता, अखंडता और संप्रभुता को नुकसान पहुंचाना तो नहीं, और अगर ऐसा है तो इन्हें पकड़कर गिरफ्तार करके इन पर कार्रवाई की जा सकती है। तो कहीं ना कहीं ये एक आंतरिक चुनौती भी बन जाती है हमारे लिए कि सीमावर्ती इलाकों में कोई घुसपैठ तो नहीं कर रहा इस तरह से। जियो मैपिंग वेटलैंड संरक्षण से जुड़ी 13 परियोजनाओं को मंजूरी। अब चलते हैं भारत और वियतनाम की थल सेना ने किया सैन्य अभ्यास। तो सैन्य अभ्यास का नाम है विनबैक्स 2022। जलवायु परिवर्तन पर कई राज्यों में अक्षय ऊर्जा क्षमता पर डाल सकता है असर। दिल्ली, यूपी, बिहार, झारखंड की अक्षय ऊर्जा क्षमता को लेकर आई चिंताजनक तस्वीर। जलवायु परिवर्तन को लेकर एक अध्ययन में चिंता जताने वाली बात सामने आई है। अक्षय ऊर्जा की क्षमता प्रभावित हो सकती है। विदित हो कि भारत ने 2030 तक अक्षय ऊर्जा से अपनी ऊर्जा जरूरतों का 50% पूरा करने का लक्ष्य रखा था। अक्षय ऊर्जा क्षेत्र में पवन, सौर ऊर्जा सहित परमाणु ऊर्जा भी शामिल होती है। नवीन और पर्यावरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने अपने ताजा आंकड़ों से पता चला है। कवच से लैस है वंदे भारत का नया वर्जन, आज से होगा ट्रायल। आधुनिक सुविधाओं से लैस वंदे भारत एक्सप्रेस का वर्जन 2.0 शुक्रवार को चंडीगढ़ लुधियाना रेल सेक्शन पर ट्रायल होगा। भारत को विकसित बनाने का संकल्प एक बार आप जरूर से देखिए। बड़े पैमाने पर बैंकों के निजीकरण से हो सकता है नुकसान, ऐसा RBI ने कहा है। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के बड़े पैमाने पर निजीकरण से फायदे से अधिक नुकसान हो सकता है। जैसा कि हमें पता है कि निजी क्षेत्र के जो बैंक है लाभ को बढ़ाने में सक्षम है, जबकि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने कहीं ना कहीं जो वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने में बेहतर प्रदर्शन किया है। ऐसे RBI ने अपनी चिंता व्यक्त की है, अगर हमें वित्तीय समावेशन बढ़ाना है तो कहीं ना कहीं हमें जो सार्वजनिक बैंकों हैं उनका निजीकरण कहीं ना कहीं कम करना पड़ेगा, या उनमें जो हिस्सेदारी है उसे कम करनी पड़ेगी। जैसे जनधन योजना है, तो जनधन योजना को कैसे सरकार के द्वारा सफल बनाया गया, कहीं ना कहीं जो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक थे तो कहीं ना कहीं उन्हीं के थ्रू कहीं ना कहीं लोगों को कहीं ना कहीं बैंक अकाउंट मतलब बैंकों से जोड़ा गया, ताकि कहीं ना कहीं जो आज हम देखते हैं DBT यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, इतने लोगों को फायदा मिल रहा है, यानी जो डायरेक्ट सब्सिडी का लोगों को, जो पहले इंटरमीडिएट रहते थे कहीं ना कहीं जो ऊपर से 1 रुपये डालते थे तो नीचे 15 पैसे पहुँचते थे, तो 85 पैसे कहाँ जाते थे किसी को पता ही नहीं रहता था। तो आज कहीं ना कहीं जो वित्तीय समावेशन है तो कहीं ना कहीं उनमें सार्वजनिक बैंकों के जो है उनका बहुत बड़ा योगदान है। तो कहीं ना कहीं हमें दोनों के बीच में संतुलन बनाकर चलना पड़ेगा, हमें सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को भी रखना है और निजी क्षेत्र के बैंकों को भी बढ़ावा देना है, ताकि कहीं ना कहीं जो हमारा विकास है उसको तेज गति दिया जा सके। और यदि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक नहीं रहेंगे तो कहीं ना कहीं निजी क्षेत्र का एक तरह से वित्तीय क्षेत्र में एक तरह से कहीं ना कहीं प्रभाव बढ़ने लग जाएगा, तो कहीं ना कहीं ये भी हमारे लिए अच्छा नहीं है। हमें दोनों के बीच में संतुलन बनाकर चलना है।
उपभोक्ता के साथ कोताही बरतने वाले राज्यों को केंद्र सरकार का अल्टीमेट। उपभोक्ता संरक्षण में कोताही बरतने वाले राज्यों को केंद्र सरकार ने आगाह किया है। उपभोक्ता शिकायतों का निपटारा करने में पिछड़ने वाले राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से तत्काल कारगर कदम उठाने को कहा गया है। उपभोक्ता हितों का संरक्षण करने के लिए गठित 9 प्रदेशों के राज्य उपभोक्ता आयोग की जो अध्यक्ष है और अन्य सदस्यों के पद रिक्त हैं, इसलिए केंद्र सरकार ने ये कदम उठाने को कहा है राज्य सरकार। देश में 5 मार्च तक तैयार हो जाएंगे 2 लाख नए ग्रामीण डिजिटल उद्यमी, यानी सीएससी कॉमन सर्विस सेंटर। जैसा कि हमें बताया कि गांव में अभी तो हर जगह पहले के जो कॉमन सर्विस सेंटर है, जहाँ से हमें सरकारी योजना हो या कुछ फॉर्म भरना हो या कुछ जानकारी लेनी हो और किसी चीज के लिए अप्लाई करना हो, तो हम कहीं ना कहीं जो सीएससी सेंटर पे जाते हैं, वहाँ ये काम करवा लेते हैं। तो कहीं ना कहीं इन्हें विलेज लेवल एंटरप्रेन्योर या डिजिटल उद्यमी भी कहा जाता है। डिजिटल उद्यमी ग्रामीण को गांव में रहकर ही सभी प्रकार की डिजिटल सेवा प्रदान करते हैं। सरकार और ग्रामीण की तरफ से उन्हें सेवा शुल्क भी दिया जाता है। जैसे हम फॉर्म भरने जाते हैं तो उसका कहीं ना कहीं एक सेवा शुल्क भी देते हैं, 50 रुपये फॉर्म देते, 50 रुपये फॉर्म भरने का देते हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं एक तरह से सेवा शुल्क भी शामिल होता है। ग्रामीण सीएससी यानी ग्रामीण सर्विस सेंटर के माध्यम से डिजिटल इलाज और शिक्षा सुविधा के साथ अब डिजिटल तरीके से स्कूटर बाइक कार की बुकिंग भी की जा सकेगी। तब हम यहाँ थोड़ा सा देख लेते हैं कि जो ई गवर्नेंस है वो क्या है। ई गवर्नेंस यानी ई शासन, इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस। सरकारी सेवाएं प्रदान करने के लिए सूचना तथा संचार प्रौद्योगिकी का उपयोग करना ही इलेक्ट्रॉनिक शासन यानी ई गवर्नेंस कहलाता है। अब ई शासन के लाभ देख लेते हैं तो कहीं ना कहीं इससे ट्रांसपेरेंसी आती है, कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार कम होता है, कहीं ना कहीं जो पब्लिक सर्विस की जो क्वालिटी है वो बढ़ती है, हायर प्रोडक्टिविटी ऑफ गवर्नेंस एम्प्लॉय, जो सरकारी कर्मचारी होते हैं उनकी जो उत्पादकता है उसमें भी वृद्धि होती है, कहीं ना कहीं जो राज्य सरकारों का जो बजट है वो भी इम्प्रूव होता है, कहीं ना कहीं इससे जिम्मेदारी और कर्तव्य है वो भी बढ़ते हैं कहीं ना कहीं, और हायर कम्पिटिटिवनेस यानी एक तरह से जो प्रतियोगिता की जो भावना है वो भी बढ़ती है कि हमें आगे बढ़ के देश का भला करना है। अब देख लेते हैं भारत में ई शासन। तो भारत में ई शासन सुशासन यानी अच्छे शासन का पर्याय बनता जा रहा है। केंद्र सरकार और राज्य सरकारों की भिन्न विभागों के नागरिकों, व्यापारियों, सरकारी संगठनों को ही नहीं बल्कि समाज के हर वर्ग को सूचना और प्रौद्योगिकी की सहायता से विभिन्न सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। भारत में ई शासन का प्रादुर्भाव सरकारी विभागों के तेजी से कंप्यूटरीकरण से शुरू हुआ है। अब यह उस बिंदु तक पहुंच चुका है जिससे शासन की सूक्ष्मतर बिंदुओं जैसे नागरिक केंद्रता, सेवा अभिमुखीकरण, पारदर्शिता को बढ़ावा मिल रहा है। ध्यान देने योग्य है कि किसी भी सरकार अथवा शासकीय व्यवस्था की कार्यप्रणाली का मूल्यांकन इस आधार पर किया जाता है कि वह अपने कार्यों में पारदर्शिता, आम जनता के लिहाज से सुगमता और जनता से संवाद स्थापित करने की दिशा में किस ढंग से प्रयास कर रही है। इसी क्रम में 2006 में शुरू की राष्ट्रीय ई शासन योजना के तहत पूरे देश में साझा सेवा केंद्र यानी सीएससी यानी कॉमन सर्विस सेंटर स्थापित किए गए हैं। इस साझा सेवा केंद्र आम आदमी को सीधे तौर पर उनके घर के द्वार तक सरकारी सेवाएं उपलब्ध कराने का प्रयास कर रहे हैं। देश भर में 1 लाख से अधिक सीएससी वेबसाइट साझा सेवा केंद्र अलग अलग ब्रांड नाम से अपनी सेवाएं दे रहे हैं। ई गवर्नेंस एक ऐसा सिस्टम है जिससे सरकारी कामकाज पारदर्शिता के साथ साथ सभी सेवाएं जन सामान्य तक तत्काल पहुंचाया जा रही हैं। बहुत से लोगों को ऑफिसों के चक्कर लगाने से डर लगता था, वे भी अब बड़े आराम से इस सेवा का लाभ उठा रहे हैं। साथ ही जनहित गारंटी अधिनियम ने ई गवर्नेंस में तेजी ला दी है। दफ्तरों में कर्मचारियों को समय सीमा में बांध दिया गया है,
जनहित के कामों के लिए समय सीमा निर्धारित कर दी गई है, जिससे सरकारी कामकाज में जो लेटर लिथी होती थी, यानी जो देरी होती थी, और जो रिश्वतखोरी पर भी एक तरह से लगाम लगा है। आज आयकर भरना, बिजली, पानी, फोन, बीमा आदि के लिए भुगतान करना, नौकरी के लिए फॉर्म भरना, ऑनलाइन परीक्षा देना, रिजल्ट देखना, आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र बनवाने जैसे काम इंटरनेट के द्वारा बड़ी ही सरलता से कर सकते हैं। यहाँ तक कि अब सरकारी न्यायालय को भी ऑनलाइन कर दिया गया है, जिससे मुकदमों की तारीख के लिए भी कोई कोर्ट नहीं जाना होगा। जल्द ही संपत्ति की रजिस्ट्री और मकान की नक्शा पास करने के काम भी घर बैठे होने लगे। तो इस तरह से तो कहीं ना कहीं जो ई गवर्नेंस है, उसने कहीं ना कहीं एक तरह से हमें सुविधा बनाया है, जैसे कि ऑनलाइन आधार कार्ड बनवाना हो, ऑनलाइन नागरिकता सेवा पोर्टल यानी आय, जाति, निवास आदि का प्रमाण पत्र हो, चाहे राशन कार्ड हो, पैन कार्ड हो, पासपोर्ट हो, मतदाता कार्ड हो, या प्रमाण पत्रों का सत्यापन हो, या कुछ शासनादेश हो, ऑनलाइन खतौनी हो, ऑनलाइन न्यायालय हो, रेल टिकट बुकिंग हो, बस टिकट बुकिंग हो, दैनिक बाजार के भाव हो, मनरेगा का आवेदन हो, आयकर रिटर्न फाइलिंग हो, मतदाता सूची हो, तो इन सब में कहीं ना कहीं जो ई गवर्नेंस है, उसने अपना बहुत बड़ा रोल निभाया है। अब चलते हैं मध्य प्रदेश में 12 कंपनियों किसानों से करवाएगी औषधीय फसलों की खेती। कृषि विविधीकरण योजना के माध्यम से किसानों की आय बढ़ाने की तैयारी। कंपनियां किसानों को देंगी प्रशिक्षण, उपज खरीदने के साथ भंडारण की व्यवस्था भी करेगी। जैसा कि हमें पता है कि आज की सरकारों का क्या लक्ष्य है कि किसानों की आय को दोगुना किया जाए। दूसरा है कि किसानों की आय को दोगुना करने के तरीके क्या है। तो कहीं ना कहीं कृषि विविधीकरण की जाए, ताकि किसान कहीं ना कहीं जो पारंपरिक जो कृषि करते आ रहे हैं उससे हटकर कुछ नई कृषि की जाए, नई नई फसलों को लगाई जाए, ताकि जो डिमांड एंड सप्लाई, जैसे आज ज्यादातर किसान देखेंगे अपन मध्य प्रदेश में तो गेहूं की और धान की खेती करते हैं, तो इससे क्या होता है कि सप्लाई तो बढ़ जाती है लेकिन डिमांड नहीं होती, जिससे क्या होता है कि कीमत गिर जाती है। तो कहीं ना कहीं जो मध्य प्रदेश सरकार ने कृषि विविधीकरण योजना लाई है, ताकि जो किसानों की आय को बढ़ाया जा सके। अब इसमें क्या होगा कि कंपनियां किसानों को फसल उत्पादन का प्रशिक्षण देगी, बीज भी उपलब्ध कराएगी, उपज खरीदने के साथ भंडारण भी कंपनियां ही करेगी। किसानों को लाभकारी खेती की ओर उन्मुख करने के लिए जो ये फसल विविधीकरण योजना को बढ़ावा दिया जाएगा। अच्छा बाजार है तो कीमत भी बेहतर मिलेगी। दरअसल प्रदेश में अधिकांश किसान गेहूं और धान जैसी परंपरागत फसलों की खेती करते हैं, इससे आय सीमित होती है, जबकि उद्यानिकी और औषधीय फसलों की खेती में लाभ अधिक है। हालांकि इसमें चुनौती बाजार मिलने और भंडारण की आती है। इसके हल के लिए सरकार ने कृषि विविधीकरण योजना बनाई है। किसान और कंपनी के बीच आपसी सहमति से खेती होगी, यानी एक तरह से कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होगी। उपज की दर भी दोनों मिलकर तय करेंगे। जो उपज होगी उसे कंपनी खरीदेगी, भंडारण, परिवहन आदि की व्यवस्था भी कंपनी करेगी। किसानों को प्रशिक्षण देने के साथ बीज, खाद आदि कंपनी द्वारा उपलब्ध कराए जाएंगे। खेती का अन्य काम किसान को जिम्मे, यानी सिंचाई करना, उसकी सुरक्षा करना, समय समय पर उसमें खाद बीज डालना, ये सारा काम किसान का रहेगा। तो किसान को फसल खराब होने के जोखिम से बचाने के लिए भी कहीं ना कहीं एक बीमा उपलब्ध करवाया जाएगा। किसानों के साथ कंपनियां जो भी वादा करेगी उसे ब्यौरा सरकार को देना पड़ेगा, जिससे दोनों पक्षों के हितों को सुरक्षित किया जा सके, ताकि कंपनियां कहीं ना कहीं किसानों का शोषण भी ना कर पाए और दोनों के बीच में एक पारदर्शिता भी बने रहे और एक दोनों के सुरक्षा के हितों को भी ध्यान में रखा जा सके। इसलिए ये योजना महत्वपूर्ण है। कहीं ना कहीं हमारे जो टॉपिक है कृषि फसल, तो उससे संबंधित ये विषय महत्वपूर्ण होता है। अब चलते हैं हमारी अगली खबर पर। भारत का रूस की तरफ झुकाव खत्म होने में लगेगा लंबा समय। अमेरिका, कहा विदेश नीति में बदलाव करना बटन दबाकर बत्ती जलाने जैसा नहीं होता, समर्थन जता। तो कहने गई जो अमेरिका ने कहा कि भारत और रूस के संबंध दशकों पुराने हैं। भारत को कहने गई रूस से
विदेश नीति को जो रूस पर निर्भर है, जिसके तेल व रक्षा उपकरण के लिए, तो कहीं नहीं कि अब अमेरिका चाहता है कि भारत अमेरिका की तरफ आए, तो कहीं नहीं कि उसके लिए जरूरी है कि भारत की जो रूस पर निर्भरता उसे धीरे 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 खत्म किया जाए, तभी तो भारत अमेरिका की तरफ शिफ्ट होगा। तो कहीं नहीं अमेरिका और भारत के साथ द्विपक्षीय समझौता बढ़ा रहा है, क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग, जिससे क्वाड अन्य मंचों के जरिए दोनों देश कहीं ना कहीं आपसी सहयोग पर काम कर रहे हैं और धीरे धीरे अपनी भागीदारी को बढ़ा भी रहे हैं। समर्थन जताने के लिए ताइवान से व्यापार समझौता करेगा अमेरिका। जैसा कि हमें पता है कि भी ताइवान के जो दौरे पे थे अमेरिका, ताइवान की जो नैन्सी पेलोसी अमेरिका की प्रतिनिधि सभा और जो अमेरिका के जो सांसदों का एक प्रतिनिधिमंडल ताइवान की यात्रा पे गया था, तो इससे कहीं ना कहीं चीन बड़ा उठा है और उसके आसपास के क्षेत्रों में सैन्य अभ्यास कर रहा है। तो इसी के बीच में अभी अमेरिका ने कहीं ना कहीं जो ताइवान के साथ एक व्यापार समझौता किया है। तो विशेष का मानना है कि एक तरह से अमेरिका स्वशासित ताइवान में लोकतंत्र के प्रति अपना समर्थन जता रहा है। इससे कहीं ना कहीं चीन का कहना है कि सैन्य व आर्थिक गतिविधि से मुकाबला करेगा कौन, चीन, क्योंकि कहीं ना कहीं चीन का कहना है कि ये उसकी वन चाइना पॉलिसी का एक तरह से उल्लंघन है। अब चलते हैं हमारी अगली खबर। भारत चीन के संबंध बेहद कठिन दौर में, जयशंकर। हमारे विदेश मंत्री जी ने बैंकॉक में कहा है कि कहीं के जो विदेश मंत्री ने कहा है कि भारत और चीन के संबंधों के बीच में कहीं के एक तरह से सीमा पर जो तनाव है वो कहीं के दोनों के रिश्तों में तल्खिया यानी कहीं कहीं परेशानी खड़ी कर रहा है। हिंद प्रशांत क्षेत्र को आजाद शांति प्रिय बनाने के लिए सभी देशों को मिलकर काम करना होगा। हिंद प्रशांत क्षेत्र को भी हम अभी मैप में देखेंगे कि इसके लोकेशन क्या है, ये क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज जियोपॉलिटिक्स में इंडो पैसिफिक का इतना रोल बढ़ता जा रहा है। तो हमारे जो विदेश मंत्री जी उन्होंने कहा कि इंडो पैसिफिक यानी हिंद प्रशांत क्षेत्र को आजाद मुक्त और शांतिप्रिय रखना जरूरी है और देशों से आह्वान किया इसके लिए। क्वाड से पूरे हिंद प्रशांत क्षेत्र को फायदा होगा, ऐसा जयशंकर जी ने कहा है कि क्वाड से हिंद प्रशांत क्षेत्र को फायदा होगा। चार देशों का गुट यानी भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया की गतिविधियों में किसी भी तरह की आपत्ति जताना सामूहिक और सहकारी प्रयासों का एक तरफा विरोध है। भारत प्रशांत क्षेत्र में चीन के आक्रामक व्यवहार का मुकाबला करने के लिए क्वाड की 2017 में स्थापना की गई थी। उन्होंने कहा कि क्वाड सबसे प्रमुख बहुपक्षीय मंच है जो हिंद प्रशांत क्षेत्र में समकालीन चुनौतियों और अवसरों का समाधान करता है। क्वाड में समुद्री सुरक्षा, मानवीय सहायता, आपात राहत, साइबर सुरक्षा, उभरती प्रौद्योगिकी, शिक्षा, स्वास्थ्य और अंतरिक्ष सहयोग पर मंथन होता है। तो इस तरह से कहें कि इसका भी खंडन किया है कि भारत तो जो क्वाड है चीन का एक तरह से विरोधी, तो कहें कि इस बात का भी उन्होंने खंडन किया है कि जो क्वाड है बहुपक्षीय मंच है। और विदेश मंत्री जी ने म्यांमार में लोकतंत्र की बहाली को लेकर भी कहा है, क्योंकि भारत का जो पड़ोसी देश है म्यांमार, वहाँ कहीं का एक तरह से सैन्य शासन है, तो भारत के लिए अच्छा नहीं है। पैकेज पर बात करने महीने के अंत में श्रीलंका आएगी आईएमएफ की टीम। जैसे कि हमें पता है कि जो आर्थिक संकट से जूझ रहा श्रीलंका को बेल आउट पैकेज के लिए आईएमएफ से बातचीत कर रहा है, और अब कहीं ना कहीं क्योंकि उसके जो विदेशी मुद्रा का जो एक तरह से भारी कमी है श्रीलंका में, जिससे अभी पूर्व संकट गहराया है, इस कारण वो खाद्य पदार्थ और दवाओं का आयात नहीं कर पा रहा है, जिससे पुराने संकट से उबर पाने के लिए कहीं ना कहीं आईएमएफ से बेल आउट पैकेज की मांग कर रहा है। ईस्ट इंडिया कंपनी ने जारी किया 1 रुपये का सिक्का 1757 में। जैसा कि हमें पता है कि प्लासी का युद्ध हुआ था, तो कहने के उसे ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1757 में कलकत्ता यानी अब कोलकाता में 1 रुपये का पहला सिक्का जारी किया था। सिक्के को सिर्फ बंगाल में चलाया गया था। फिर 1835 में यूनिफॉर्म क्लाइमेट एक्ट पारित करके पूरे भारत में एक तरह के सिक्के का प्रचलन शुरू कर दिया गया। तो हमारी जो खबर है वो यही समाप्त होती है। हम मैपो का एनालिसिस तो ये था
आइलैंड का मैप है, जहाँ भी जयशंकर जी ने इंडो पैसिफिक की क्वाड की और म्यांमार की जो बातचीत कही है, एक बार थाईलैंड को देख ले। तो थाईलैंड, थाईलैंड के पड़ोस में पूर्वी साइड में म्यांमार आ गया, यानी जिसका पुराना नाम बर्मा था। इधर लाओस से, इधर नीचे कंबोडिया से इसकी कहीं ना कहीं भूमि से मतलब सीमा लग रही है। इधर अंडमान सी से, इधर वो गल्फ ऑफ थाईलैंड, और कहीं ना कहीं यहाँ ही मलेशिया तो प्रायद्वीप भी यहीं पर है। तो थाईलैंड, थाईलैंड में से कहीं ना कहीं जो लाओस और थाईलैंड की सीमा को बनाते हुए कहीं ना कहीं ये मेकोंग नदी मतलब आशियान के देशों से, यानी चीन से होते हुए, चीन से निकलते हुए कहीं ना कहीं आशियान से होकर गुजर रही है मेकोंग नदी। फिर गल्फ ऑफ थाईलैंड यानी कहीं ना साउथ चाइना सी में जाकर गिर रही है, इसके राजधानी बैंकॉक है। तो कहीं ना कहीं अभी जहाँ पर जयशंकर जी ने अपने जो वक्तव्य ने भाषण कहा था, और गल्फ ऑफ थाईलैंड इंडियन ओशन, इधर की साइड इंडियन ओशन आ गया, और कहीं ना कहीं नीचे से मलक्का, माफ कीजिए, और यहीं से इसके नीचे से मलक्का स्टेट होकर निकल रही है। अभी हम गूगल मैप पर देखेंगे एक बार इसका पॉलिटिकल मैप, यानी म्यांमार, लाओस, कंबोडिया, इसकी सीमा लग रही है ये ब्राइट और बैंकॉक। ये इसकी पूरी वर्ल्ड मैप में यानी एशिया मैप में एक्सप्रेस इसकी लोकेशन कहाँ पर अवस्थित है, यानी इसकी सीमा चीन से नहीं लगती है, और ये इक्वेटर के ऊपर आ गया, और बे ऑफ बंगाल इसके पश्चिम में, पैसिफिक ओशन यानी साउथ चाइना सी इसके पूर्व में आ गया। अब देख लेते हैं हम एक बार वर्ल्ड मैप, यानी एक बार इंडो पैसिफिक क्षेत्र को भी देखते हैं कि अब ये इंडियन ओशन और ये पैसिफिक ओशन इन दोनों को मिलाकर बोलते हैं इंडो पैसिफिक। अब ये इतना महत्वपूर्ण क्यों है, क्योंकि जैसे हमें पता है कि हाल ही में तो ताइवान और चीन के बीच में जो तनाव चल रहा है, तो वो भी कहीं ना कहीं एक तरह से इस क्षेत्र में इंडो पैसिफिक में ही अवस्थित है। थाईलैंड है यानी जो आशियान की कंट्री से, वो भी कहीं ना कहीं एक तरह से ये इंडो पैसिफिक क्षेत्र में ही अवस्थित है। दूसरा है कि जो ट्रेड रूट है यानी जो सी के द्वारा जो व्यापार होता है सी रूट के थ्रू, वो कहीं ना कहीं इधर से होकर साउथ चाइना सी से होते हुए कहीं ना कहीं यहाँ से मलक्का स्ट्रेट से होते हुए इंडियन ओशन होते हुए कहीं ना कहीं अफ्रीका से होते हुए कहीं ना कहीं यूरोप की तरफ पहुँचता है। तो कहीं ना कहीं ये एक तरह से महत्वपूर्ण क्षेत्र है, कहीं ना कहीं इसी के आसपास एक तरह से जियो पॉलिटिक्स केंद्रित हो रही है। पहले इसका नाम एशिया पैसिफिक था, फिर इसका नाम इंडो पैसिफिक रख दिया गया। अब इसी के अंदर कहीं ना कहीं अरब का सागर, बंगाल की खाड़ी और इधर साउथ चाइना से, ये सब इसी के अंदर अवस्थित आते हैं। जिसकी हम बात करते हैं कि जैसे पैसिफिक आइलैंड्स की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं ये पैसिफिक आइलैंड्स की साइड आ गए, ऑस्ट्रेलिया। अब जैसे हम क्वाड की बात करें तो क्वाड भी कौन से क्षेत्र है, अब क्वाड को देख लेते हैं हम, कि जैसे ये भारत है, ये ऑस्ट्रेलिया है, और ये जापान है, और ये अमेरिका है। कहीं ना कहीं एक तरह से ये चीन की जो आक्रामकता है यानी साउथ चाइना से को लेकर चीन अपना दावा करता है कि ये उसका क्षेत्र है, तो कहीं ना कहीं उसकी एक तरह से इस क्षेत्र में आक्रामकता, शांति, स्थिरता और जो आवाजाही है उसको स्वतंत्रता बनाए रखने के लिए कहीं ना कहीं इन देशों ने मिलकर एक साथ आकर कहीं ना कहीं जो चीन की आक्रामकता का जवाब देने का प्रयास भी किया है। कहीं ना कहीं ये इंडोनेशिया, मलेशिया, ये कहीं ना कहीं जो आशियान के देश है, सारे 10 जो आशियान के देश है सब यहीं अवस्थित हैं। अब पैसिफिक की बात करते हैं यानी जो हवाई द्वीप है, और ये पूरे ये न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और यही कहीं ना कहीं ये पूरे जो क्षेत्र है ये कहीं ना कहीं पैसिफिक आइलैंड्स के लिए जाने जाते हैं, ये पपुआ न्यू गिनी। तो इस क्षेत्र से इसलिए ये महत्वपूर्ण होता है, कहीं ना कहीं अमेरिका भी चाहता है कि इस क्षेत्र में अपना दबदबा बनाए रखे, चीन भी चाहता है कि यहाँ कहीं ना कहीं वो अपना दबदबा बना रखे, और भारत अपनी सुरक्षा के लिहाज से भी चाहता है कि कहीं ना कहीं जो इंडो पैसिफिक के जो सी रूट से वो एक तरह से फ्री रहे, किसी के नियंत्रण में ना रहे, और जो अंतर्राष्ट्रीय कानून और नियम है उनका पालन सुनिश्चित किया जा सके। अब जैसे चीन है, तो चीन जैसे हम कल बात कर रहे थे CPEC यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर की बात कर रहे थे, तो पहले क्या जैसे चाइना था तो बेल्ट एंड रोड इनिशिव यानी ओबोर के अंदर दो हो गए, एक तो सिल्क रूट हो गए यानी जमीन के थ्रू कहीं ना कहीं सेंट्रल एशिया, फिर यूरोप और एशिया से कनेक्ट करना कहीं, और दूसरा है कि मेरे टाइम सिल्क रूट के थ्रू होते हुए
तो पहले के चीन को इतना रास्ता सफर करना पड़ता था, साउथ चाइना सी से होते हुए मलक्का स्ट्रेट से होते हुए अंडमान सी, बे ऑफ बंगाल, लक्षद्वीप सी, अरब सागर से होते हुए उसको अफ्रीका और कहीं ना कहीं यूरोप तक पहुंच पहुंचना बनाने के लिए इस रास्ते का उपयोग करना पड़ता था। तो कहीं ना कहीं इसमें समय भी लगता था, और दूसरा है कि ईंधन की भी खर्ची होती थी और लागत भी बढ़ती थी। तो चाइना ने क्या किया कि कहीं ना कहीं वो यहाँ से इसका विकल्प ढूंढ लिया। तो उसने विकल्प के लिए क्या किया कि जो हमारा क्षेत्र है पीओके, तो पीओके और पाकिस्तान से होते हुए इसने ग्वादर बंदरगाह तक कहीं ना कहीं ये वाला रास्ता खोज लिया, ताकि इतना लंबा रूट उसको सफर न करना पड़े। न कहीं ना कहीं इस एक सामरिक क्षेत्र भी है, क्योंकि तो यहाँ भारत की नेवी है और भारत का कहीं ना कहीं इस क्षेत्र में कहीं ना कहीं एक तरह से दबदबा रहता है। तो कहीं ना कहीं चीन ने, कि मान लो कभी युद्ध होता है तो कहीं ना कहीं भारत उसकी सप्लाई चेन न काट दे, इसलिए उसने इस विकल्प को भी ढूंढ लिया। तो कहीं ना भारत की सुरक्षा लिहाज से भी कहीं ना कहीं ये सीपीसी एक तरह से खतरा है। भारत भी कहीं ना कहीं इसका कड़ा विरोध जता रहा है कि कहीं ना कहीं ये हमारे देश की संप्रभुता अखंडता के लिए एक तरह से चुनौती बना हुआ है। तो इस तरह से हमारे जो आज का जो एनालिसिस है वही समाप्त करते हैं। धन्यवाद।